ये हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगी, फैला दूंगी। ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, इसको मैं बाद में दिखाऊंगी कि क्या करेंगे इसको। इसको चकले पे बेल भी सकते हैं, इसको बैठा भी सकते हैं प्लेट में, तो जैसे आपको सही लगे वैसे कीजिए, सो वाली बात है। तो मैं तो इसको प्लेट में ही कर रही हूँ, बैठा रही हूँ। और अब करना क्या है इस पे, ये अच्छे से सही से हो जाए। सॉरी, मैं तो इसके लिए मैं दिखा दे रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा ऐसे करके इसको ये जो कर देंगे तो ये पूरा बराबर बैठ गया, देखिए। और नहीं तो ऐसे करके हाथ से या स्पैचुला से किसी भी चीज से आप बैठा लेंगे। और करना क्या है इसको, इसी के ऊपर जो ये पोस्ता दाना मैं ली हूँ वो छिड़क देना है, काफी अच्छा हो जाता है ये, हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो देखिए ये हो गया इस तरीके से। आप चाहो तो इसको इसी टाइम पे कट कर लो, या ठंडा होने दो तो कट करो। और मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए, सॉरी आपको दिख भी, ये करके काजू कतली भी हो जाएगा और इसका काजू रोल भी मैं बना करके दिखा दूंगी। आपको जैसे पीस बनाना हो वैसे आप बना सकते हैं। और इसको ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो चलिए, ये हमारा काजू कतली तो मैं दिखा दी, अब काजू रोल भी आगे मैं दिखाऊंगी। आप देखिए ये बिल्कुल दिख रहा है आप लोगों को, ये कढ़ाई छोड़ रहा है तो बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। वैसे ये अभी भी बन जाएगा पर मैं थोड़ा सा इसको टाइम दे रही हूँ, तब तो दाल बनाने का तैयारी कर लूंगी कचौरी का। ये रोल बनाने के लिए अगर ये बटर पेपर होगा तो होगा, नहीं तो सिल्वर क्वाइल ले ले, और नहीं तो आप नॉर्मल प्लेन पेपर ही ले ले, तो जो आपको इजीली अवेलेबल हो वो लीजिए। इसको इस तरफ करती हूँ, अब मैं ले आती हूँ इसको दाल पीसने के लिए, ताकि कचौरी जो बनाऊंगी उसका। ये बिल्कुल ही ठंडा हो गया। और इधर ये जो आटा जो लगा के रखी थी, सूजी और आटा, ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। कचौरी बनाने के लिए ये मूंग दाल और उड़द दाल दोनों मिक्स की थी। देखिए इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा ही कचौड़ी बनाने के लिए हमको रखना है।